अस्सलामु अलैकुम जियो डिजिटल के साथ मैं हूँ अलिश्बा बिनत उस्मान। आज का जो ये हमारा प्रोग्राम है ये काफ़ी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि हमारे जो मेहमान हैं अली साद, इनका ताल्लुक वैसे तो इस्लामाबाद पाकिस्तान से है लेकिन ये रहते फ्रांस में, और अभी गुज़िश्ता दिनों इन्होंने फ्रांस से पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से वापस फ्रांस अपनी गाड़ी में सफ़र किया। तो ये कारनामा यकीनन कोई छोटा तो है नहीं। तो पूछते हैं इनसे कि इनका ये सफ़र कैसा रहा, इन्होंने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर की, इनको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली और ये है मेरा बेटा रायान। जी अली, तो आप मुझे बताएं कि सबसे पहले तो ये ख्याल आपके जहन में आया कैसे, इतना लंबा सफ़र था ये, ज़रूर आपने निकलने से पहले किसी से मशवरा किया होगा, तो मुझे बताएँ कि घर वालों का क्या रिएक्शन था। ख्याल इस तरह क्योंकि बचपन से ही मुझे घूमने फिरने का काफ़ी शौक है, शौक था और शौक है। पाकिस्तान बाइक पर भी घूमा, गाड़ी पर भी घूमा, तो और बचपन में अफसाने वाले वो पढ़ते रहते जो सफ़रनामे, अफसाने नहीं सफ़रनामे, तो बस वो उसी तरह करते करते मैंने सोचा कि कुछ किया जाए, देखा जाए। लोग दुनिया जाती थी, जाती है, तो बस इसी तरह ख्याल है। अचानक बैठे बैठे थोड़ा सा मैंने फिर सर्च वगैरह किया, इंटरनेट पर सर्च किया, बाकी लोगों से बातचीत की जो लोग जाते रहते हैं इस तरह, कौन से डॉक्यूमेंट दरकार हैं, कितना टाइम लगता है, क्या कुछ होता है। अभी यहाँ तो मैं आपको डिटेल सारी नहीं दे सकता क्योंकि काफ़ी लंबी डिटेल हो जाती है। अली, अब मुझे बताएं कि ये सफ़र जो है ये आपने कब तय किया था, ये कितने महीने पहले की बात है, और आपने किन किन ममालिक से होते हुए आप फ्रांस से पाकिस्तान पहुँचे थे। हमने एक सफ़र किया था फ्रांस से पाकिस्तान और पाकिस्तान से वापस फ्रांस बाय रोड। तो ये सफ़र जाते हुए हमें लगे थे यहाँ से 18 दिन और वापसी में लगे थे हमें 12 दिन। और इस सफ़र में मेरे साथ थी मेरी वाइफ और मेरे दो बच्चे, एक था ये रायान और एक साथ छोटी बेटी है, उसकी उम्र है ऑलमोस्ट 8 साल। जो पहला फेज था फ्रांस से पाकिस्तान का वो था, उसका आगाज़ किया था मैंने 24 जून को और ख़त्म हुआ था 11 अगस्त को। तो इसमें टोटल 18 दिन लगे थे। 18 दिन इसलिए लगे थे क्योंकि मेरा बेसिकली जो मेरा मोटिव था वो घूमते फिरते जाना था। मेरा ये नहीं था बस एक कोने से दूसरे कोने पहुंचना, नहीं था। बीच में फिर मैंने काफ़ी मुख्तलिफ मुल्कों से होता हुआ स्ट्रेट रास्ता मैंने नहीं लिया था, मैंने ज़िगज़ैग करते करते पहुंचा हूँ, जिसमें सबसे पहले जर्मनी, जर्मनी के बाद ऑस्ट्रिया, फिर स्लोवेनिया, उसके बाद क्रोशिया, क्रोशिया से बोस्निया, बोस्निया से मोंटीनेग्रो, वहाँ से अल्बानिया, अल्बानिया से ग्रीस, ग्रीस से तुर्की और फिर ईरान और फाइनली पाकिस्तान। मुझे ये बताएं कि आपका जो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस था ये कैसा रहा, अगर कोई और इस तरह से गाड़ी में आना चाहे तो आप उसको क्या टिप्स देंगे। टिप्स बस यही दूंगा कि गाड़ी में जब भी आप ऐसे सफ़र करें तो गाड़ी आप हमेशा कम से कम लोड लेके जाएं, जो ज़रूरत की चीज़ें वो लेके जाएं, क्योंकि ज़्यादा लोड रखेंगे कोई चीज़ निकालनी है आपको मसला होगा गाड़ी की सस्पेंशन वगैरह, ये वो एक तो ये चीज़। और ईरान में ख़ासतौर पर ये टिप्स दूंगा कि ईरान में डीज़ल गाड़ी थोड़ा, वहाँ डीज़ल का इशू होता है मिलने का, थोड़ी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, तो अपने साथ फ्यूल एडिटिव रखें, इंजेक्टर क्लीनर्स रखें, और उसके बाद गाड़ी की आधी टंकी से जब नीचे होना तो गाड़ी को फिल अप करा लें। ये कहीं भी किसी भी लंबे सफ़र के लिए बात करूँ, क्योंकि आपको नहीं पता था कि आगे किसी वक्त भी जाके आपको ट्रैफिक ब्लॉक मिल सकती है, आपको हो सकता है रुकना पड़ जाए। मैं बीच में कहीं कुछ कुछ जगहों पर मैंने 10-10 घंटे 12-12 घंटे भी एक ही जगह पर गाड़ी खड़ी करके इंतज़ार किया ट्रैफिक खुलने के लिए। तो फ्यूल होना चाहिए, पानी होना चाहिए, खाने की स्नैक्स वगैरह होनी चाहिए ताकि आपको इन चीज़ों से मसला ना हो। एक और बात है जो यकीनन जब आप ड्राइव करने वाले अकेले होते हैं तो बड़ा एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि नींद ना आए, इतना लंबा आप सफ़र कर रहे होते हैं, तो आपने उसके लिए क्या किया, आपको नींद आई रास्ते में, आई होगी जाहिर है कहीं पर, तो आप उसके लिए फिर कहीं आपने स्टे किया, आपने क्या किया। नींद मुझे बिल्कुल आती थी, उसकी 2-3 मैं करता था रेमेडीज़। एक ये थे कि हर 2-2.5 घंटे बाद ब्रेक लगा के कॉफ़ी वगैरह पी ली, और वैसे ही कॉफ़ी ना भी पी तो आप थोड़ी देर के लिए जाके थोड़ी टांगे वगैरह स्ट्रेच करें, जाके निकलें थोड़ी सी वॉक करें, तो आपकी नींद थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है। और फिर जब बहुत ही ज़्यादा आ जाती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल रात को, तो एक दो दफ़ा ऐसे हुआ कि मैंने रास्ते में कोई मुनासिब जगह देख के, या तो होटल्स देखनी है वहीं सो गए, अगर वहाँ नहीं मिली जगह तो फिर मैंने एक दो जगहों में मैंने यूरोप में इस जो फ्यूल पंप फ्यूल स्टेशन होते हैं उधर ही गाड़ी खड़ी करके, तो आधा घंटा 15-20 मिनट थोड़ा सा एक पावर नैप से लिया ताकि फिर ना मैं थोड़ी देर चाह सकूँ। आप 15 मिनट की पावर नैप ले लें, आपको 2 घंटे फिर आपको नींद नहीं आती है।
कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे आपकी गाड़ी ख़राब हुई हो तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो? ज़ाहिर है आपके पास टूल्स तो होंगे जो बेसिक्स होते हैं, तो आप उसका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जी, गाड़ी मेरी जिसे मैंने एंटर किया था ईरान में, तो आफ्टर 300 किलोमीटर ईरान का पहला शहर आता है तबरेज़। तो तबरेज़ मैंने रात को गाड़ी खड़ी की, सुबह मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी का एसी जो था वो काम करना बंद हो गया। अब ये वो पहला शहर था मुल्क आ रहा था जहाँ गर्मी आना शुरू हुई थी, इसमें 40 प्लस हो गया था टेम्परेचर उस दिन। तो तबरेज़ से तेहरान है 600 किलोमीटर। तो मेरी गाड़ी थी वॉक्सवैगन, और वॉक्सवैगन का पार्ट आपको ऑलमोस्ट पूरे ईरान में कहीं से नहीं मिलते। मैंने पता किया, लोगों से नहीं मिले, मैंने तबरेज़ में ढूंढा, नहीं मिले। फिर मैं वहाँ से 600 किलोमीटर गाड़ी चला के गया तेहरान में, वहाँ भी मुझे कुछ नहीं मिला उसका। तो लेकिन वो एक मैकेनिक था, उसके पास मैं चला गया, सारा दिन उसका बैठा रहा, एक लोकल था, जानने वाला था, उसके थ्रू लैंग्वेज का बैरियर थोड़ा ख़त्म हो गया था, वो मुझे ले गया था। तो सारा दिन लगा था मुझे गाड़ी ठीक कराने के लिए, तो एट लास्ट गाड़ी का एसी ठीक हो गया था। अच्छा, आखिर में मेरा एक सवाल है जो यकीनन सब जानना चाहेंगे, मैं ख़ुद भी जानना चाहती हूँ। आपने कहा कि 17 से 18 दिन आपको लगे हैं आने में, तो ये तकरीबन 22-23 हज़ार किलोमीटर पड़ेगा फ्रांस से पाकिस्तान तक। तो मुझे ये बताएं कि आपका इस सब में ख़र्चा कितना हुआ, आपने कितने लीटर्स पेट्रोल डलवाया तकरीबन, और आपको ये सब कितने का पड़ा? वैसे तो खर्चा मेरा काफ़ी हो गया, मीन अगर आप उसको सिर्फ देखें एयर ट्रैवल से कंपेयर करें तो जितना एयर ट्रैवल पे खर्चा आता है उससे 3 times more। अक्सर लोग समझते हैं गाड़ी पे फिरना सस्ता होता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जितने दिन लगते हैं उतने उसी हिसाब से खर्चा ज़्यादा होता रहता है। इसमें ऑलमोस्ट राउंड ट्रिप का मैंने डलवाया होगा तकरीबन 1,400-1,500 लीटर के आसपास, लीटर्स की बात करूँ तो। यूरोप में महंगा है, पाकिस्तान में थोड़ा सस्ता है, मतलब इसलिए मैं पैसों का इतना हिसाब नहीं लगा चाहिए। लेकिन ऑन रफली नोट फॉर अ राउंड ट्रिप जो सिर्फ फ्यूल की बात है वो तकरीबन पाकिस्तानी 7.5 या 7-7.5 लाख रुपए लग जाते हैं। तो ये थे मेरे चंद, थोड़ा सा मैंने आपको बताया इसका।